नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आज के पंचांग की, राशिफल की और ज्योतिर्लिंग के बारे में। हम जानकारी लेते हैं पंडित ज्योतिषाचार्य श्यामधर शास्त्री जी से। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति कैसे राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पंडित श्यामधर शास्त्री जी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले शिव स्तुति से हम शुरुआत करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। गिरीशम गणेशम गली नीलवर्णम गजेन्द्राधिरूढम गुणातीतरूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रम। ओम नमः शिवाय। आप समस्त दर्शकों को का ग्रह चक्र कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज का पंचांग, दिनांक 15 जनवरी 2019, दिन मंगलवार, कलियुगाब्द 5120, संवत 2075, पौष मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, राहु काल शायम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी तरीके का शुभ कार्य न करें। दिशाशूल उत्तर दिशा में आज के दिन यात्रा करते हैं तो नुकसान होगा। अद्य संदेश भवताम सर्वेशाम तिथि मंगलमय भवतु। राशि फल सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्रदान होगा और किसी निकटस्थ व्यक्ति से लाभ प्राप्त होने का योग दृष्टिगोचर होता है। शुभ रंग लाल भाग्य होगा 78%। वृष राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन सामान्य फलदायी रहेगा, किसी निकटस्थ व्यक्ति से लाभ प्राप्त होगा किंतु अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने का भी योग दृष्टिगोचर होता है। सचेत रहें, सावधान रहें और संयमित रहें। शुभ रंग सफेद भाग्य होगा 70%। वृष राशि के जातक आज का दिन बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा। सुख के नवीन संसाधन जुटेंगे, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्रदान होगा और निकटस्थ व्यक्ति से लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल भाग्य होगा 72%। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, फलदायी रहेगा, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्रदान होगा, सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा और किसी विवाद से मुक्ति मिलेगी, पूर्व से चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे। शुभ रंग सफेद भाग्य होगा 87%। कर्क राशि के जातक या जातिका आज के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का सहयोग करें तो विशेष लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा, कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होंगे, शत्रुता बढ़ेगी, शत्रु प्रबल होंगे। सचेत रहें, सावधान रहें और संयमित रहें। शुभ रंग लाल भाग्य होगा 45%। आज के दिन सिंह राशि के जातक या जातिका किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। अन्न का दान करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, लाभप्रद रहेगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का योग दृष्टिगोचर होता है,
रचनात्मक कार्य बेहतर होंगे, रचनात्मक कार्य आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा, भाग्य होगा 77%। ये हम जाने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातक एवं जातिकाओं का आज का दिन कैसा रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, भगवान शिव क्यों निवास करते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। तदोपरांत हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक एवं जातिकाओं का आज का दिन कैसा रहेगा। उससे पहले भगवान शिव का स्तुति करते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम अंकारम ममलेश्वरम परल्यं बैद्यनाथं तु डाकिन्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये च केदारं घुश्मेशं च शिवालये। एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं विनश्यति न संशयः। ओम नमः शिवाय। बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के संबंध में, क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, भगवान शिव क्यों निवास करते हैं। पुणे से उत्तर पश्चिम में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके पीछे जो पौराणिक महत्व है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, राजा भीम यानी कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। जब कुंभकर्ण ने सुना कि हमारे पिता का वध रामचंद्र जी ने किया, तो वो कुपित हुआ और एक शिव भक्त को तरह तरह की यातनाएं देना शुरू किया, तरह तरह का कष्ट देना शुरू किया। उस शिव भक्त को भीम ने कैद कर लिया और मारने के लिए कृपाण उठाया। भगवान शिव और भीम में भयंकर युद्ध हुआ, कई वर्षों तक युद्ध चला। तदुपरांत भीम की मृत्यु हुई और भगवान शिव भक्तों की भलाई के लिए, लाभ के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिनको हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। किसी भी तरीके का शत्रु भय हो तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भय समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बहुत बेहतर नहीं रहेगा। अनावश्यक विवाद उत्पन्न होंगे, शारीरिक कष्ट संभव है, किसी सगे संबंधी से हानि हो सकता है। सावधान रहें, सचेत रहें। शुभ रंग सफेद, भाग्य होगा 47%। तुला राशि के जातक या जातिका आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें जल और दूध से, तो उनके लिए लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। सुखद समाचार प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा और भौतिक संसाधन जुटेंगे। वृश्चिक राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन सुमधुर और सुंदर होगा। शुभ रंग लाल, भाग्य होगा 70%। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन अनुकूल फलदायी रहेगा, लाभप्रद रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, विकास होगा, सहयोग मिलेगा। आज आपको कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से, सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और सुख के नवीन साधन जुटेंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य होगा 80%। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्रदान होगा, व्यक्ति विशेष से लाभ की प्राप्ति होगी और सम्मान मिलेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य होगा 78%।
बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा, लाभप्रद रहेगा। आज के दिन कुंभ राशि के जातक या जातिका किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को काली वस्तु दान करें। काली वस्तु दान करते हैं तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए आज का दिन चातुर्दिक लाभ होगा। समस्त तरीके के कार्य पूर्ण होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य होगा 78%। ये हम जाने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक एवं जातिकाओं का आज का दिन कैसा रहेगा। हमने कल के कार्यक्रम में चर्चा किया था मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या है इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज आप मकर संक्रांति मनाएंगे, जल में स्नान करेंगे, गंगा जल में स्नान करेंगे। जो व्यक्ति अगर गंगा जी नहीं जा पाता है, घर में अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा पहले गंगा जल जल में डालें, बाल्टी में डालें या किसी पात्र में डालें, उसके बाद जल मिलाएं। क्योंकि गंगा जल में अगर जल मिलाते हैं तो वो जल होता है, लेकिन जल में अगर गंगा जल मिलाते हैं तो विष के समान होता है। इसलिए थोड़े से गंगा जल में तब जल मिलाना चाहिए। तो उस जल से भी आप स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति को सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। पीछे के कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में हमने मकर संक्रांति के बारे में बताया है, चर्चा किया है कि क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। बहुत बड़ा ऋतु परिवर्तन होता है। तो आगे हम आज बात करेंगे, अगर बृहस्पति ग्रह आपके उच्च के हैं या बृहस्पति नीच के हैं तो क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु हैं, यानी जो देवताओं का गुरु होगा उसके अंदर ज्ञान का विस्तार कितना बड़ा होगा, ज्ञान कितना विस्तृत होगा। तो बृहस्पति से हम ज्ञान का विचार करते हैं, बृहस्पति से हम अपने योग्यता का विचार करते हैं, योग्यता का मूल्यांकन करते हैं और सफलता का मूल्यांकन करते हैं कि व्यक्ति कितना सफल हो पाता है, कितना यश मिलता है, कितना वो स्वाभिमानी है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान भी अति आवश्यक है, किंतु अत्यधिक स्वाभिमान विकार का रूप ले लेता है, आदमी विकृत हो जाता है। तो समान अनुपात में स्वाभिमान होना चाहिए। हर व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वो महिला हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, स्वाभिमान हो लेकिन अहंकार न हो। क्योंकि स्वाभिमान जब काफी ऊपर उठ जाता है तो वो अहंकार में परिणित हो जाता है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, सफलता के देवता हैं। साथ ही स्किन से संबंधित एलर्जिकल समस्या और पैर से संबंधित विकार, तलवे और घुटने से संबंधित तकलीफ और कमर के पास के स्थितियों का कारक ग्रह बृहस्पति। अब यदि बृहस्पति आपके कर्क राशि में है, कर्क राशि राशि में सर्वोच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं, कर्क राशि में है तब तो बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विवेकी होता है, सफल होता है। किंतु अगर मकर राशि के बृहस्पति हो गए या नीचाभिलाषी हो गए, शत्रु क्षेत्री हो गए तो वो नकारात्मक हो जाते हैं। व्यक्ति का ज्ञान का प्रभाव विशेष रूप से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है या उसके अंदर व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, व्यक्त उसको सुनियोजित ढंग से सजा करके नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में विकास कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। जब ये स्थितियां पाई जाए तो आप बृहस्पति को कैसे बलवान करें, कैसे सकारात्मक लाएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बृहस्पति अगर कमजोर हैं तो विवाह नहीं हो पाता,
या विवाह होने में तमाम तरीके की अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तमाम तरीके की अड़चन उत्पन्न होती है। इन स्थितियों में भी आप पोखराज धारण करें किसी भी रविवार, सोमवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार को, पोखराज या बृहस्पति यंत्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करवाकर तर्जनी उंगली में आप ध्यान दें, क्योंकि ये इलाका, ये जो तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का इलाका बृहस्पति का होता है। अगर ये इलाका या ये जगह दबा हुआ है तो बृहस्पति कमजोर है। इन स्थितियों में पोखराज या बृहस्पति यंत्र धारण करते हैं तो आपको लाभ होता है। अब एक विषय पर और चर्चा करेंगे कि अगर बृहस्पति आपके कमजोर हैं तो प्रतिदिन रात में सोते समय दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर दूध पिए। अगर दूध में हल्दी डाल करके दूध पीते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा और बृहस्पति अनुकूल होंगे। एक विशेष बात, जो लोग मोटे हों, शरीर से जो व्यक्ति मोटा हो, वैसे व्यक्ति को कभी ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो और मोटापा बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान दें, क्योंकि दूध की उपयोगिता क्या होती है, दूध का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ज्योतिषीय कारण क्या है, इस संबंध में हम आगे के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति के लिए आप प्रतिदिन हल्दी डाल करके दूध अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। साथ ही बृहस्पति के एक मंत्र को मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लें। इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करें, क्योंकि देखिए जाप जब आप करते हैं तो आप जब मनसा जाप करते हैं, मन के अंदर जाप करते हैं, तो आपके जो दिमाग की स्थिति है, आपके जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। क्यों? हम अपने दिमाग का उपयोग 7% से 10% तक ही कर पाते हैं। अगर आप जाप करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपका वो अनुपात बढ़ता है, और जब सोचने का, याद रखने का क्षमता बढ़ेगा तो आपका सफलता भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो इस मंत्र का एक माला मनसा जाप करें, बचसा नहीं, बोल कर नहीं, मन में चिंतन करके मंत्र याद कर लें और मन में जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेश्च तं नमामि बृहस्पतिम्। आप इस मंत्र का कम से कम एक माला प्रतिदिन जाप करें। और अगर आपके आसपास बृहस्पति भगवान का मंदिर है या विष्णु भगवान का मंदिर है तो 5 पीला लड्डू अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवेश हो जाएगा, आप सकारात्मक हो जाएंगे। जो कार्य नहीं बन पा रहे हैं वो कार्य अनुकूल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। क्योंकि बृहस्पति जब भी अनुकूल होते हैं, जब भी शुभ फलदायी होते हैं, वो व्यक्ति को काफी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और समाज में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने लगती है। तो बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको आप अवश्य करें, इससे लाभ होगा और आपका जीवन सुखी होगा। आज हम जाने बृहस्पति से संबंधित कि बृहस्पति के लिए आप क्या करें। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि मकर संक्रांति के संबंध में बात किए कि मकर संक्रांति का क्या लाभ होता है। ये बहुत बड़ा ऋतु परिवर्तन होता है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश हो जाए, जब सूर्य का ताप बढ़ जाएगा तो व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन जनरेट होता है, अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन होने लगता है, तो व्यक्ति स्वस्थ होता है और कार्य करने का क्षमता बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक जो लोग परेशान थे आर्थिक पक्ष से, तो दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य आने के बाद शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर एक क्षेत्र में लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। कुछ राशियों के लिए
तो यह चमत्कार होगा, वरदान होगा। जैसे बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि के लिए यह राशि परिवर्तन काफी बेहतर रहेगा, मकर राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके बाद मीन राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए काफी शुभ फलदायी होगा। तदोपरांत वृषभ राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बेहतर रहेगा, कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बेहतर रहेगा, कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बेहतर रहेगा, वृश्चिक राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बेहतर फल देगा और धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए भी बेहतर प्रभावकारी रहेगा। तो इस तरीके से मकर संक्रांति का एक विशेष पर्व है, के हिंदू परंपराओं में महापर्व है। इसको आप आनंद के साथ, परिवार के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन, क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र प्रकृति और मनुष्य को आपस में जोड़ता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच में समन्वय स्थापित करता है, क्योंकि अगर प्रकृति न हो तो मनुष्य न हो। कहीं ना कहीं प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है, एक सभी के पीछे कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित है। अब उन समन्वय के फल स्वरूप, जैसे हम लोग पूजन में बोलते हैं पीपल के वृक्ष में जल दें, तो क्यों कहते हैं पीपल के वृक्ष में जल दें? क्योंकि वृक्ष से संबंध मनुष्य का है। पुराणों के अनुसार समस्त देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। दूसरा, पीपल के वृक्ष में क्या पाया जाता है? छायेदार वृक्ष होता है, राहगीर को, रास्ता चलने वाले लोगों को वहां आराम मिलता है, और 24 घंटे ऑक्सीजन पीपल के वृक्ष से निकलता है। इसके कारण हम पीपल के वृक्ष में जब जल देते हैं, और एक तरीके से पीपल का वृक्ष दीर्घायु होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, तो हम पीपल के वृक्ष में इसलिए पूजन करते हैं कि देवताओं का वास होता है और प्रकृति और मनुष्य का संबंध संतुलित होता है। तो आप इस मकर संक्रांति को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जिस तरीके से मैंने चर्चा किया, आप स्नान करें, दान करें, ध्यान करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ध्यान योग श्रेष्ठ होता है। मनुष्य के अंदर के समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं ध्यान करने से, अस्थिरता, मानसिक क्लेश, तनाव, कष्ट, नाना प्रकार के समस्याओं का शमन हो जाता है। तो इसलिए आप चिंतन करें, ध्यान करें। विशेष रूप से कहा गया है परोपकारायिदं शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए बना हुआ है, प्रयास करें आपसे किसी का हानि न हो, नुकसान न हो। आज हम एक विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है इस धरती पर, कौन प्रसन्न रहता है, किसके अंदर हार्दिक प्रसन्नता होती है। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पंचे अहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वगृहे और इणी चा प्रवासी च सौच बारी चर मोदते। यानी जिस व्यक्ति के घर में दिन के पांचवें या छठे पहर में, यानी सायंकाल, साग भात बनता हो, चूंकि पूर्व काल में घास और साग आसानी से मिल जाते थे, साग और भात बनता हो, किसी प्रकार का कर्ज न हो, और अपने घर में निवास करता हो, अपने परिवार के बीच निवास करता हो, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और समृद्ध होता है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब ऋण होता है तो वो मानसिक तनाव से गुजरता है, कभी सुखी नहीं रह पाता। तो हमारे जो भी धर्मशास्त्र कहते हैं उसका हमें अनुकरण करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए कि हम
स्वयं के घर में रहें, परिवार में रहें, परिवार को अच्छे से देखें, अच्छे से ध्यान दें, एकाग्र होकर ध्यान दें, ताकि हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं तो उसमें रस हो। क्योंकि राजा जनक को विदेह कहा गया है, विदेह इसलिए कहा गया कि वो संत थे, सभी को समान रूप से प्रेम करते थे, समान रूप से ध्यान देते थे। तो आप भी विदेह बने, ऐसा नहीं है गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विदेह नहीं हो सकता, व्यक्ति संत नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। और गृहस्थ व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने परिवार का संचालन कर रहा है वो सबसे बड़ा संत है। इसलिए अपने परिवार के प्रति आप जिम्मेदार बने और इस विषय का ध्यान दें कि आप ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करें। आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की आज के पंचांग की, राशि फल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मकर संक्रांति है, जिसकी आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। आज इसी के साथ हमने बात की बृहस्पति के बारे में, कैसे बृहस्पति सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशियों पर देता है, कैसे बृहस्पति को अनुकूल बनाया जाए कि वो सकारात्मक प्रभाव दे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।